अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स क्या हाल है आप सबका होप के सब ठीक होंगे और आप देख रहे हैं देसी एंड कॉन्टीनेंटल फूड तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी की रेसिपी है और इसका नाम है फ्राइज़ पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो भी आप इसको कह लें और ये बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ख़ासकर बच्चे तो इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करेंगे उनको ज़रूर पसंद आएगी आप उन बच्चों को बना कर दें और यंग फूड से बेहतर है कि आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें दें ये हेल्दी वे में भी आ जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्राइज़ कट में आलू एक मीडियम साइज़ का लिया था मीडियम ले लें लार्ज ले लें वो आपके अपने पे डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फ्राइज़ की शक्ल में इनको मैंने काट लिए काट कर इसको मैं पानी उबलने के लिए रख दिया जैसे ही पानी बॉयल होने पर आएगा तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डाल दिए और जब पानी बॉईल होने पर आएगा तो फिर जो आलू हैं जो हमने फ्राइज काटे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला दें अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको हमने ज़्यादा नहीं बॉयल करना हमने जस्ट जब बॉयल आने लगे तो हमने टाइम नोट कर लेना है और तकरीबन एक मिनट एक से डेढ़ मिनट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी करना है तो ये पानी उबलने पे आया टाइम नोट कर लिया और तो तकरीबन तो एक से सवा मिनट तक जो है मैंने चूल्हा बंद कर दिए और मैंने इसको निकाल लिया और ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार दें उसके बाद हम इसको कॉट करेंगे मैदे से ये मैंने मैदा है इसको अच्छी तरह से कॉट कर लेंगे अच्छी तरह से सारे फ्राइज पे मैदा लगा देंगे तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो इसी तरह से अच्छी तरह सारी हम फ्राइज़ के ऊपर मैदा जो है वो कॉट कर लेंगे और एक एक फ्राइज़ जो है उसको निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो मैदा है वो भी निकल जाए तो इन सारे फ्राइज़ को अलग प्लेट में निकाल लेंगे मेरे बच्चों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी आप बच्चों को जरूर बना कर दें इन श्ला वो आपसे दोबारा फिर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये मैंने सारे फ्राइज जो हैं इनको मैंने कॉट कर लिया है और अलग से निकाल लिए है अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस है फ्राई का अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल लिया है तो हम इनको पैन में डालेंगे जस्ट हल्का सा हलाएँगे इनको ज़्यादा नहीं क्योंकि कॉट किया हुआ है वो फिर मैदा जो है वो सारा उतर जाएगा इसको हमने फ्राई करना है फ्राई भी जस्ट इतना के ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना हल्का सा कि फ्राइज़ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए कच्ची ना रहें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमने इनको नहीं करना तकरीबन चार से पाँच मिनट लगे हैं क्योंकि हमने इनको पहले पकाया भी था तो चार से पाँच मिनट जो है फ्राइज़ जो हमारी रेडी हो गई हैं अब हम इसको निकाल लेंगे और ये मैंने फ्राइज़ जो है निकाली हैं अब इसके लिए ये मैं पिज़्ज़ा सॉस ली है ये ऑलिव्स हैं और ये मोजरेला चीज़ है ये चैटर चीज़ जो भी आपके पास हो और ये औरगा है चाहे आप मिक्स हर्ब ले लें ऑर्गेनो ले लें ले ले जो भी आपके पास हो और वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है या जो आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं और ये पिज़्ज़ा सॉस है अगर पिज़्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो आप कैचे भी यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए आपको भी ये है कि इसके ऊपर ब्लैक पेपर जो है वो भी थोड़ी ऐड करनी होगी थोड़ा तो स्पाइसी करने के लिए या आप कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दें तकरीबन वन फोर टी स्पून तो ये मैंने कहा पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है और साथ ही थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे और फिर ये वेजिटेबल जो हैं वो हम बारी बारी लगा देंगे पहले ऑनियन लगा दिया शिमला मिर्च टमाटर जैसे भी आप इसकी प्रेजेंटेशन करने चाह करना चाहते हैं वैसे आप डाल दें सारा कुछ आप टमाटर जो हैं उसको लगा देंगे इसके बाद शिमला मिर्च लगा देंगे आप बच्चों की पसंद पे भी लगा सकते हैं बच्चों को जो चीज़ पसंद है अगर वो शिमला मिर्च वगैरह इस तरह की प्याज़ वगैरह नहीं पसंद करेंगे तो आप ये चीज़ें मत ऐड करें इसके वगैरह भी बहुत मज़े का बन जाएगा और बाकी जो चीज़ रह गई थी वो हम ऊपर लगा देंगे ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स वो आप लगा दें अगर नहीं भी हैं तो उसके बगैर भी चल जाएगा और साथ ही ये और यनो ये डाल दें अगर आप केचप यूज़ कर लें तो आप ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर या कुटी लाल मिर्च का या वाइट पेपर का डस्ट कर दें और आप मैं इसको माइक्रोवेव में एक मिनट के लिए बेक करूँगी अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको किसी पैन में सारा कुछ इसी तरह से करके आप उसको हल्का सा दम वाली ए दम वाली फ्लेम पर आप इसको थोड़ा सा दम दे दें ताकि मेरे फ्राइज़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और ये बहुत ही मज़े की हमारी पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी है अब आप इसको एंजॉय करें अपने बच्चों को दें इनशाला वो ज़रूर पसंद करेंगे और मेरी सेकंड रेसिपी है नूडल पिज़्ज़ा या पिज़ा नूडल्स ये भी सेम प्रोसेस है ये इसके लिए भी हमें तकरीबन वही चीज़ें चाहिए लेकिन मेन चीज़ जो है उसके लिए हमें नूडल चाहिए और तो ये भी बहुत मज़े की बनती है एक डिफरेंट सी रेसिपी है और आप बच्चों को बना कर दें इंजॉय करेंगे बहुत ही यमी सी बहुत ही स्पाइसी सी मज़ेदार सी रेसिपी है इसके लिए मैंने नूडल्स लिए हैं ये मुझे छोटे पैकेट मिले थे इसलिए मैंने दो पैकेट ले लिए हैं छोटे पैकेट बीस वाला जो पैकेट होता है वो मैंने दो पैकेट लिए हैं नूडल्स के इसके अलावा ये शिमला मिर्च है टमाटर है और ऑलिव्स हैं और ये चीज़ है मोजरेला चीज़ और ये पिज़्ज़ा सॉस है और ये ओरिगानो है, है, और है और इसके लिए सबसे पहले हमने नूडल्स को बॉयल करना है बॉयल करने के लिए मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था जैसे ही पानी बॉयल होता है तो ये मैं नूडल इसमें डाल दूंगी और नूडल को हम अच्छी तरह से ये तो आपको पता ही है जिस तरह से नूडल बनाते हैं इसको जस्ट हमने बॉयल करना है इसमें मसाला ऐड नहीं करना और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप ये कि जिस तरह सिंपल नूडल्स बनाते हैं वो साछे डालकर आप उस तरह से भी बना सकते हो उस ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा तो ये मैंने बच्चों के लिए बनाना था इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया ये मैंने नूडल बॉयल करके एक दफ़ा ठंडे पानी से गुजार ली थी और इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस जो है वह इसमें डालें पिज़्ज़ा सॉस डालें या केचप डालें और फिर शिमला मिर्च लगा दी वेजिटेबल अगेन वही कि आप अपनी मर्ज़ी के यूज़ कर सकते हैं उसके बाद टमाटर लगा दिए और फिर ब्लैक ऑलिवज हैं तो वोल का लें ग्रीन है तो वोल का दें अगर दोनों ही नहीं है तो उसके बगैर भी अच्छा बन जाता है टेस्टी बन जाएगा तो आप ब्लैक ऑलिव हैं उनको लगा दें और मोजरेला चीज़ है ये आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो मोजरेला चैटर या जो भी आप चीज़ आपको अच्छी लगती है पसंद है आप चीज़ जो है वो इस पर लगा दें अच्छी सी चीज़ लगा दें ताकि चीज़ी सी नूडल बन जाए और ये ओरिगानो जो है वो ऊपर छिड़क दें और वही बात का अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं यूज़ कर रहे हैं टमाटो कैचअप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ऊपर ब्लैक पेपर जो है वो भी थोड़ी सी डस्ट कर दें और फिर मैं इसको ओवन माइक्रोवेव में एक मिनट के लिए बेक करूँगी अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको पैन में डालकर हल्का सा चूल्हे पर दम की आग पर हल्का से इसको दम दे लें तो ये ये कि चीज़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़